Everyone, welcome to the sociology class. Today we are going to learn about folk ways given by Sumner under sociology in five minute series. I am your educator Bhairavi Bharadwaj and this is the telegram channel that you have to join if you are preparing for any exam CUET, NET, GATE, UPSC. All the content I upload on this channel will help you in some way or the other. So let us start and understand what folk ways. सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज फोक वेज इज गिवन बाई आ सोशोलॉजिस्ट नेम्ब डब्ल्यू जी सुमनर सुमनर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम ही था फोकवेज इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्स तो इस बुक को आपको याद रखना है क्योंकि नेट में ऑलरेडी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है विद द ईयर ओके अब देखो इस वर्ड का मतलब क्या है फोकवेज का मतलब क्या होता है फोकवेज का मतलब होता है द वेज ऑफ द फोक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपको फोक का मीनिंग नहीं पता देखो फोक का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग और वेस का क्या मतलब होता है कि उनकी बिहेवियरल हैबिट्स क्या है मतलब उनका डे टू डे हैबिट क्या है उनका बिहेवियर कैसा है बिहेवियर क्या होता है जो हम डेली डेली करते हैं उसी के बेसिस पे हमारा बिहेवियर बनता है ठीक है नाउ फोक वेज आर नॉर्म्स टू विच वी कन्फर्म बिकॉज इट इज अ कस्टमरी टू डू सो इन अ सोसाइटी देखो फोक फोकवेज इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हम सोसाइटी में करते हैं ठीक है क्योंकि वो करनी चाहिए या वो कस्टमरी होती हैं मीन्स एवरीबडी डज दैट ठीक है फोकवेज आर द एक्सेप्टेड वेज ऑफ बिहेवियर फोकवेज का मतलब क्या होता है ऐसा बिहेवियर जिसको सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है अभी हम एग्जाम्पल्स दिखेंगे इसके बहुत सारे तब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी और साथ मैंने में मैंने एक इसमें इमेज भी अटैच की है उससे काफी कुछ समझ में आएगा तो देखो अकॉर्डिंग टू सुमनर फोक रिप्रेजेंट यूनिक ऑफ हिमसेल्फ टू द एनवायरमेंट सुमनर ने कहा था कि फोक वेज हमें बताता है कि इंसान कैसे अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को अडेप्ट करता है मतलब अपने अंदर इनकलकेट करता है उसी के हिसाब से वो बिहेव करता है द टर्म इज ऑफन ब्रॉडली यूज टू इंक्लूड कस्टम्स कन्वेंशंस यूसेजेस एंड एटिकेट्स तो कस्टम्स यानी जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं एटिकेट्स मीन्स हमारा जो अच्छा बिहेवियर होता है जिसको सोसाइटी लाइक करती है है ना तो ये सारी चीज़ें हम फोकवेज़ में इंक्लूड करते हैं अब हम लोग आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको फोकवेज़ का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा सो बिफोर लुकिंग एट दी एग्ज़ाम्पल्स वी आर गोइंग टू सी सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती हैं ओके सो गिलिन एंड गिलिन ने बोला था कि फोकवेज एक ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं और ये चीज़ें हम अनकॉन्शियसली करते हैं तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप याद रखिएगा नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोकवेज फोकवेज क्या है हमारी डेली लाइफ वाली चीजें हमारी डेली हैबिट्स ओके देखो किस तरह से हम खाना खाते हैं किस तरह से हम बात करते हैं ड्रेसिंग प्लेइंग वॉकिंग वर्किंग कन्वर्सिंग बात कैसे करते हैं ओके okay? एक्सप्रेस कैसे करते हैं लव एफेक्शन ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं फोकवेज में टेकिंग थ्री मील्स अ डे अब थ्री मील्स अ डे बहुत कॉमन चीज है सब जगह होती है तो ये है हमारा फोक ठीक वॉकिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट वेयरिंग डिफरेंट ऑफ एट डिफरेंट टाइम्स रेगुलर ब्रेशिंग और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं नाउ वी आर गोइंग टू सी नेचर ऑफ फोक वेज देखो नेचर में हम कैरेक्टरस्टिक्स कह सकते हैं इसको ठीक है तो फोक वेज पहली बात तो सोशल होता है सोशल क्यों होता है क्योंकि एक ही इंसान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर है ना यहाँ पे पूरी सोसाइटी की बात हो रही है सेकेंड इज रेपिटेटिव इन कैरेक्टर रेपिटेटिव का मतलब क्या होता है कि हमारी लाइफ में फोकवेज रोज रोज होते हैं डेली होते हैं ऐसा नहीं कोई एक्शन मैंने आज किया है और फिर मैं दस साल बात करूँ और वो फोकवे हो गया नो देन अनप्लान्ड ओरिजन अनप्लान्ड ओरिजन का क्या मतलब है कि ये इसका जो ओरिजन है जब जैसे फोकवेज बनाया गया है तो वो प्लान करके नहीं बनाया गया है वो अपने आप बनता है ओके इनफॉर्मल इन्फोर्समेंट मतलब कि फोकवेज को चलाने के लिए फोकवेज को लाने के लिए हमें कोई फॉर्मल चीज़ की ज़रूरत नहीं है है ना हम घर से ही सीखते हैं अपनी सारी चीज़ें तो वो आ जाएगा इनफॉर्मल में नाओ फोकवेज डिफर अलॉट हर सोसाइटी के फोकवेज अलग अलग हो सकते हैं जैसे हमारी सोसाइटी में हम किसी से मिलते हैं तो हम नमस्ते करते हैं तो किसी और की सोसाइटी में कुछ और हो सकता है है ना स इन नंबर बहुत सारे फोकवेज होते हैं आप सोच भी नहीं सकते दे आर सब्जेक्ट टू चेंज और focus change होते रहते हैं ऐसा नहीं है कि वो एक जैसे ही रहते हैं तो ये नेचर था स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फोकवेज मोरे टैबू लॉ इन सब में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इसको हमेशा याद रखना देखो फोकवेज का क्या मतलब होता है नॉम दैट स्टेम्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज कैजुअल इंटरक्शन फोकवेज वो होते हैं जो हमारे कैजुअल इंटरेक्शन से बनते हैं फोकवेज कम रिजिड uh, होते हैं कह सकते हैं वो चेंज होते हैं मोरे क्या होते हैं नॉर्म दैट स्ट्रक्चर्स द डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग देखो इसमें क्या होता है कि एकदम स्ट्रिक्टली हमें डिफाइन होता है मोरेज़ में कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग ठीक है घर में चीज़ें होती हैं ना बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बता दी जाती हैं कि भाई ये तो नहीं करना है, है ना और फोक वेज में ऐसा नहीं होता है फोक वेज़ में आपको सिखाया जाता है आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जाती हैं और आप उसको अडेप्ट करते हो नेक्स्ट इज टैबू टैबू में क्या होता है स्ट्रॉन्ग निटि नॉर्म वॉयलेटिंग इट इन एक्सट्रीम डिस्गस्ट मतलब आप ऐसी चीज़ ऐसी चीज़ें कुछ होती है ना जिनको बिल्कुल ही बोल दिया जाता है कि अगर आप वो करते हैं तो आपको बहुत डिसगस्ट तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं है ना तो वो हमारे टैबू में आ जाता है जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्कोहल अब एल्कोहल को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है डे नाइट तो फिर क्या होगा उसको एकदम डिस्कस्ड वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा तो दिस इज़ अ टैबू नाउ लॉ में क्या होता है कि हमें पहले से ही रिटर्न रूल्स एंड नॉर्म्स दे दिए जाते हैं कि हमें किस हिसाब से लाइफ में अपना काम करना है और उस हिसाब से हमें पनिश भी किया जाता है लॉ के बारे में तो आप सबको पता ही होगा सो आई होप यहाँ पे चारों चीज़ें आपको क्लियर होंगी मैं धीमे धीमे करके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूँगी तो चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी सो आई होप यहाँ पर ये यह चारों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन सो दैट्स इट फॉर टू डे गाइज आई होप यू लाइक दिस लेसन डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आ सोशोलॉजी स्टूडेंट गो टू प्ले लिस्ट प्ले लिस्ट में काफी कुछ मैंने बना रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा ओके एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट जॉइन बिकॉज ऑल द फ्री थिंग्स एवरी थिंग रिलेटेड टू सोशलॉजी दैट आई गिव यू विल फाइंड ऑन दिस चैनल ओनली एंड दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम सो कोई भी डाउट होता है कोई भी सोशालोजिकल रिलेटेड क्वेरी होती है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं सो दैट्स इट गाइज कीप लर्निंग